देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि अगर फॉर्मूला इस तरह से हो, एफ एक्स टू दी पावर एन दिया हुआ है इनटू एफ डैश एक्स हो, डी एक्स हो, तो उसमें स्लाइटली कुछ सब्सटीट्यूशन का यूज करना ही पड़ेगा। वो हमें यही सीखना है। ये मेन फंडामेंटल्स में हम यहाँ पे इस चीज को, बात को समझेंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाती है एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसमें यहीं पे मैं हम सब्सटीट्यूशन का सब्सटीट्यूशन लिखते हैं और उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सम टी। और अगर एफ एक्स सम टी है तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डेस एक्स और फिर बचेगा एक्स, ठीक है। यहाँ थोड़ी नई बात बतानी है आपको कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स लिखा और ये जो प्रोसेस यहाँ किया जाता है, दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में जिस तरह से हमने बात की थी वो पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स का डी एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का पूछे क्या होता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है। सपोज डी ऑफ एक्स स्क्वायर अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, फिर एक्स का लिखेंगे डी एक्स, एंड दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव, दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है कि ये विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल नहीं होता, विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ होता है। तो वो उसका डिफरेंशियल वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेंज होगी टू एक्स, और फिर एक्स की कैसे डिफरेंशियल वैल्यू देगा, एक्स की देगा डी एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से इसको लिखना होता है। अब देखिए, यहाँ जैसे ही आपने इसमें लेट किया और यहाँ डेरिवेटिव किया, सब्स्टिट्यूशन का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको आप लिखेंगे एफ एक्स का एफ डेस एक्स, फिर एक्स का बचेगा एक्स, एक्स का एज पर एग्जैक्ट डेरिवेटिव डी एक्स होगा एंड दिस टी का डी टी होगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को आप उठा के रख देंगे, इसको हम यहीं पे सीख ले रहे हैं, इसको मैं आपको फंडामेंटल फॉर्मूलेज में ही लिखा रहा हूँ सारी बात। तो हम आगे इस पे कई सारा यूजेस जो है वो हम कर पाएंगे, इसीलिए बेटर है कि हम इस पॉइंट को यहीं सीखें। तो देखिए ऐसा होगा कि ये जब हमने इंटीग्रेशन में इसको लिख दिया है, एफ एक्स को टी लिखा है तो टी टू दी पावर एन हो गया, और एफ डैश एक्स डी एक्स को हमने डी टी लिख दिया, तो ये पूरा फॉर्मूला अब वेरिएबल टी के लिए बन गया। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप जानते ही थे, ये आप जानते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स जो होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वेरिएबल टी पे चल जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगा टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है उसकी वैल्यू हम प्लेस करते हैं वापस, तो इसकी वैल्यू आ जाती है टी की एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर, कोई वैल्यू आप देखें उसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का बेस्ट यूज करते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू को, एफ एक्स को टी लिख लेते हैं और एग्जैक्ट डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिखते हैं, राइट। एंड सो दैट इट विल बिकम लाइक दिस, ये ऐसा हो जाएगा, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इस फॉर्मूले का इसमें यूज किया, ठीक है ना। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर लर्निंग हियर, हम डायरेक्ट अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पे नहीं गए, लेकिन ये चीज यहाँ सीखना जरूरी है। देखिए और भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स से ही बेस बनते हैं सारी बात, फिर हम बहुत आसानी से जो है फॉर्मूलेस पे बहुत इजी वर्कआउट कर पाएंगे, क्योंकि यदि ये बात आप सीख जाएंगे तो बहुत आसान होगा मेरे लिए कि आप उन फॉर्मूलेस पे जो हमें वर्क करना है कि वो कैसे, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो दो तरह के फॉर्मूले में साथ साथ लिखते जाऊंगा, एक मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस और एक लिखूंगा दूसरे जनरल फॉर्मूलेस। तो आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऐसा होता है एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स, तो उसको आप लिखते हो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट।
इसी जगह अगर x की जगह यदि हो जाए ax plus b, ax plus b to the power n, तो x की जगह एक लीनियर फॉर्मूला ऐसे चेंज हो गया जिसमें कि x का जो कॉफिशेंट है वो a कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में ऐसा होता है 1 बाय a आ जाता है, ax plus b की पावर n plus 1 हो जाता है, अपॉन n plus 1 हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड दिस इज कॉल्ड जनरल, राइट. इसको हमने जनरलाइज कर दिया. x की जगह अगर ax plus b आ जाता है तो आंसर लिखने में 1 बाय a आ जाता है, बाकी फॉर्मूला वैसे ही चलेगा. देखिए x की जगह आपका ax plus b आएगा, पावर n plus 1 हो गया, डिवाइडेड बाय n plus 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही आएगा. ठीक है, तो इन इन बातों को हम साथ ही साथ लेते चलेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल्स में अभी हम यहाँ सीख रहे हैं उसको हम बहुत इजीली आगे यूटिलाइज कर पाएंगे, इसलिए ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसमें. तो देखिए इसमें ऐसा है कि नेक्स्ट हम ले रहे हैं उसी के लिए जिन फंडामेंटल रूल्स की बात कर रहे थे, उस फंडामेंटल रूल में हम ये भी एक ले लेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर ऐसा आ जाए इनटू डीएक्स हो तो उसकी वैल्यू जो होगी टू रूट एफ एक्स आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू टू रूट एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, इस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं कि हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं ऐसा. तो इसमें सिंपली रूट एफ एफ एक्स को, रूट ऑफ एफ एक्स को टी लेट करना है, रूट ऑफ एफ एक्स को टी लेट करेंगे तो एफ एक्स रूट ऑफ एफ एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते थे वन अपॉन टू रूट एक्स, इसी तरह से इसका आ जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का आएगा आपका एफ डैश एक्स, राइट. एफ एक्स का एफ डैश एक्स आएगा बाय द चैन रूल, फिर एक्स का हमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स का खाली डी एक्स लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx लिखेंगे इक्वल्स टू t का dt लिखेंगे. देखिए t का हम dt लिखते हैं, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव की वजह से ऐसा होता है, अदरवाइज हम किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिख रहे होते हैं. अगर सपोज t को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो लिखते dt बाय dy. ठीक है, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्टली t का dt लिखा जाएगा. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में जितनी वैल्यूज हैं उनको आप देख लीजिए, एफ डस एक्स है, रूट ऑफ एफ एक्स है, डी एक्स है, रूट ऑफ एफ एक्स है, ये है, ये है, इस टू को उधर ले जाएंगे, एफ डस एक्स रूट ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस विल बिकम द टू डी टी, और ये जो इंटीग्रेशन है आई आई फॉर इंटीग्रेशन, और उसमें इसकी वैल्यू प्लेस कर दें, इतनी पूरी वैल्यू की जगह टू डी टी लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू टू डी टी, राइट. और इसमें 2 का 2 कांस्टेंट है और dt का होगा t, dt का हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस c, एंड नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू लिख देंगे t जो कि रूट ऑफ एफ एक्स है, सो 2 रूट ऑफ एफ एक्स आएगा प्लस c आएगा. तो देखिए इन बातों को हम अभी स्टैंडर्ड फंडामेंटल फॉर्मूलेज में हम समझ रहे हैं और यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाना चाहिए. ठीक है, जो कि हम आगे फॉर्मूलेज में यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा. ठीक है, इसके बाद में एक और फॉर्मूला यहीं पे ले लेते हैं. मान लीजिए सपोज करो इसमें आ जाए आपको एफ डैश, इसको इंटीग्रेट करना हो, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, राइट, ये आ रहा हो एफ डैश एक्स आ रहा हो ये. तो देखिए डेरिवेटिव है ऑलरेडी यहाँ पे इंटू डी एक्स है, तो इन साइड में आप एक काम करेंगे, लेट कर लेंगे इस तरह की वैल्यू हो और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ऑलरेडी फंक्शन का डेरिवेटिव तो है ही है, डेरिवेटिव ऑलरेडी है और बाकी क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है. तो देखिए इस पे एक काम करेंगे, इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी लेट करेंगे, ए एक्स का डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू बी का जीरो हो जाएगा एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और t का dt हो जाएगा, then you can write the dx equals to dt by a, dx को आप लिख सकते हैं dt by a, वो लिख देंगे, therefore ये जो integration है i, हमेशा integration के लिए
स्टैंडर्ड नोटेशन रहता है, आई डिनोट्स फॉर द इंटीग्रेशन। जब कभी हम किसी का लिखते हैं तो उसको आई से लिखते थे, जैसे फंक्शन में एफ एक्स को वाई लिख लेते थे, या इक्वल्स टू एफ एक्स लिख लेते थे, या और कोई फंक्शन लिख देते थे। इसी तरह से इसमें आई चलता है, बहुत सारे हों तो आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर चलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने आई लिखा, और यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे डी टी बाई ए। तो देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, एफ डैश टी हो गया, अभी एफ डैश टी, दिस इज टी, और डी एक्स की जगह प्लेस करेंगे डी टी बाई ए। तो बाय द वी नो दैट दिस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, और फिर आप लिख पाएंगे एफ डैश टी एंड डी टी, राइट। तो देखिए क्या आएगा, वन अपॉन ए आ जाएगा, और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होता है तो मेन फंक्शन आ जाना है, मेन फंक्शन वापस आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी द एफ एक्स फंक्शन मिलेगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग से लगाएंगे, वन बाय ए। अब एफ एक्स में एफ सॉरी टी लिखेंगे, अभी यहाँ टी आएगा, और टी की वैल्यू प्लेस करेंगे। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है इसमें भी इस तरह से वन बाय ए आ गया और मेन फंक्शन आ गया, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और थोड़े से हम लेते हैं फंडामेंटल रूल्स, जिनसे कि हम इजीली दूसरे हमारे जो मेन फॉर्मूले हैं उनको हम आराम से सीख पाएंगे। देखिए यदि ऐसा हो, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स दे रखा हो और इंटीग्रेट करना हो, ठीक है ना, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और वैल्यू दे रखी है। इसमें यहाँ एक्स के साथ में कोई कॉफिशियंट नहीं है, अगर सपोज हम फॉर्मूले का भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस ए को यदि आप टी लोगे तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ए का जीरो हो जाएगा और टी का डी टी होगा, तो डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेट होना है आई, उसको आप इस तरह से लिख पाएंगे, एफ डैश दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए की जगह टी लिखा और डी एक्स की जगह डी टी लिखा, ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसा है कि कोई जो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन होगा तो वो फंक्शन ही आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें वैल्यू प्लेस करने हैं हमें, तो टी की जगह वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देखिए नई बात आई कि यदि जो वेरिएबल है कभी किसी तरह फंक्शन अगर दे रखा है, अगर वेरिएबल के साथ में कोई कॉफिशियंट अपीयर नहीं हो रहा तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा आ जाता है। यहाँ पे अब जैसे यहाँ था आपका एफ एक्स प्लस ए डी एक्स, और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसने कोई वन बाय ए प्रोड्यूस नहीं किया, बोलेंगे ये एक था, ये कांस्टेंट अलग से था, एक्स के साथ में उसका कॉफिशियंट नहीं था, और कॉफिशियंट यदि एक्स वेरिएबल है लीनियर फॉर्म में उसके साथ में यदि है तो ही वन बाय ए वैल्यू प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज नहीं करता, राइट। तो मतलब इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने इसीलिए लिखा है सर, यही पॉइंट समझने के लिए कि यदि एक्स के साथ में कोई कॉफिशियंट है तो आएगा, यदि नहीं है तो नहीं आएगा, वन बाय ए जैसी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बनी है, ठीक है। अब हम लेते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सारे कितने जो मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स को लिखना है और उनको समझना है। सो सारा हमें सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा, मेथड इंटीग्रेशन इज अ बिग टॉपिक, राइट। तो उनको सबको कई सारे कैटेगराइज करके डिफरेंट फॉर्म्स में फॉर्मूलेज को भी थोड़ा कैटेगरी बनाने की कोशिश की है, अदरवाइज लेकिन आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है तो खाली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, तब आपको ये नहीं मालूम देखना होता है कि वो किस मेथड से होगा, वो मेथड आप कई सारे, कई बार ऐसा होता है कि मेथड्स आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, तो कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो डिपेंड्स हाउ यू टेकल द क्वेश्चन, राइट। तो इनिशियली सिखाने के लिए
अलग अलग मेथड से जाना पड़ता है, लेकिन बाद में कुछ सारे मेथड्स आपस में मिक्सअप भी हो जाते हैं, तो क्योंकि आप सवाल सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर बाद में मेथड का इतना रोल नहीं रहता, यू नोज द हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, राइट। तो मेथड्स ये हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की एक सही पांच तरह से होता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि मैं सारे मेथड्स लिख रहा हूँ इसी ऑर्डर में हम लोग जाएंगे, तो वो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए किस ऑर्डर में जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल फंक्शंस, इरैशनल फंक्शंस, इसमें हम फंक्शन वो वाले लेंगे जो कि p अपॉन q, न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन हो डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, तो एक जो टोटल फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है इट इज इन द रैशनल फॉर्म, और रैशनल फॉर्म में भी हो सकता है, इरेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, सो रैशनल और इरेशनल पॉलिनोमियल्स का इसमें फोर्थ पार्ट में हम इंटीग्रेशन लेंगे, और लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो इस तरह से हम पूरे हमारे कोर्स को पांच मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से कंप्लीट करने वाले हैं, और फर्स्ट जो हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, इसमें आपको मैं साथ ही साथ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास के साथ साथ जनरल फॉर्मूलास भी बता दूंगा यहीं के यहीं, और फिर हम उनको जनरल फॉर्मूलास को यूज़ करके हम इंटीग्रेट जिस तरह से करते हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें लेने हैं, सारे फॉर्मूलास के डेरिवेशन समझने हैं, मैं करवाऊंगा उनके, और इस तरह से फिर हम उनके क्वेश्चंस भी उतरेंगे, ठीक है।